बता दी आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं समझे मोगे। तो सुबह सुबह है ना तनु चली गई स्कूल, तनु की आज था बुखार और स्कूल चली गई। मोगा बेटा तू स्कूल चली जा, नोली मम्मा मैं नहीं रहूंगी घर पे, मां चली जा। और घर पे बहुत ज्यादा काम था इसलिए मैंने मोगा बेटा तू जा स्कूल, क्योंकि घर पे रही ना काम करे बिना तो सह नहीं गा। क्योंकि आज मैं दीवाली की सफाई कर रही हूँ, आज सुबह सुबह मैंने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, कपड़े मैं सारे के सारे मेरे रख रही हूँ। और वो नाइट सूट है वो, और वो सूट 3000 रुपये का था, वो गया खराब, वो रंगवाऊंगी उसको, अलग से रख देती हूँ। और ये साड़ी भी रख देती हूँ, वो नीचे वाली मैं डालूंगी दोबारा से, क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मेरी ये साड़ी रख देती हूँ और नीचे वाली किसी को दे दूंगी, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसका लुक ही नहीं अच्छा लग रहा है। सारे ने टोक दी थी मैं इवेंट वाले दिन, तो फटाफट घर का काम कर लेते हैं। पंखे की हालत देख सकते हो, मैं बस वो लेके आऊँगी जाड़े जुड़े उतारने का, घोड़ा सर लेके आऊँगी, उसके ऊपर खड़ी होके अकेले ही काम करना पड़ेगा आज। ये भी डर लग रहा है कभी गिर गिरा तो मुश्किल हो जाए। तो जितनी सफाई बनती आज कर लेते हैं भाई, थकान तो बेहद ज़्यादा हो रही ना, तो नींद पूरी हो रही। और कल भी है ना, कल मैं 2 बजे आई थी शॉप से आते साथ मैंने भाई सारे की पार्टी हो गई थी भाई, आज आज सपना कहानी सुनने के साथ मैं कहानी सुनी, पार्टी मनाई जो की है। रात को 10 बज गए थे, 9 बजे तक फारिक होके फिर हमने रोटी सब्जी बनाई खाई माँ बेटिया ने, और फिर अपना एडिटिंग वगैरह करी। मैं तो लेट गई थी तनु ने की, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी भाई। और सुबह की 6 बजे की उठ रही हूँ, सुबह की 6 बजे की लग रही काम का, क्योंकि दुकान पे इतना बल्टन आ रहा है सिलाई का, बेहद ज़्यादा बल्टन। और मैं सूट डालने वाली हूँ 2 दिन के बाद, सेल में निकालूंगी, जिसने भी लेने तो आप ले लेना। सपना तनवी सूट्स पे मिलेंगे, इस पे नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, पहले बता देती हूँ। और जल्दी सी ना बातें करते हुए फटाफट काम कर लेती है, आपको साथ ही साथ दिखाती रहूंगी मैं क्या कर रही हूँ। मन हो रहा है इतना उदास, कल भी मैं सारा दिन रोई हूँ, सारा दिन क्योंकि रोई हूँ कि मम्मी की इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी, फिर हद ज्यादा याद आ रही थी। एक तो कोई पूछने वाला नहीं है ना, मर रहे हो कि जी रहे हो, तुम खुश हो कि नहीं हो, क्योंकि बस पूछना, सारे अपने कामों में बिजी हो रहे, सब अपने कामों में बिजी हो रहे हैं। और माँ के बिना कोई नहीं पूछता भाई, कोई भी नहीं पूछता, चाहे कोई भी हो जी। एक सुनीता की मेरी बात होती रहती है, रोज हो जाती है, और किसी से बात नहीं होती मेरी किसी से भी। और भैया दूसरे देखेंगे चंडीगढ़ जाएंगे या नहीं जाएंगे, बुलाएंगे तो जाएंगे भाई, जरूर जाएंगे। और दिल कर रहा बच्चों को मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा भाई, बेहद ज़्यादा दिल कर रहा है। आप चले जाते तो ये बोलते कि लेने के लिए गई है, और बस बच्चे देखने का इतना मन कर रहा है भगवान कसम, क्योंकि वो बड़े हो जाएंगे फिर, बड़े तो बड़े ही होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनको देखने का इतना मन कर रहा है मेरा, बस मैं अभी गोदी में उठा लूँ और खिला लूँ। अब छुट्टियों में जनवरी की छुट्टी पड़ेगी ना, जब देखूँगी 2-4 दिन जाके आऊँगी, पर बच्चों के लिए जा रही हूँ मैं, क्योंकि उनसे मिलने का मेरा बड़ा मन है, बड़ा मन है भाई, सिर्फ उनके लिए। मैं ये कपड़े ना एक भी नहीं थे मेरे पास, एक भी नहीं थे मखाज में ना भाई, घर पे हूँ, रेस्ट पे हूँ, और रेस्ट पे तो कहाँ जिंदगी में, रेस्ट तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। और ये प्रेस करके रख देती, कहीं जाना होता है ना तो कपड़े मिलते नहीं है भाई। भाई बस अब तो काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल डाउन चले गए हैं, सिलाई में काम घर घर का चलता है। पैसे पहले सिचुएशन आई थी ना वो अब आ चुकी है, क्योंकि है ना आप जैसों के प्यार के कारण है ना, बस थोड़ा सा ही घर बना लिया मैंने, अपने घर बनवा दिया, बस अब तो काम काम चल रहा है, सिलाई से घर चल रहा है, और सिलाई में अपना गुजार कर लेंगे भाई अब, क्योंकि सिलाई हुनर तो हमारे पास, ये हुनर खत्म नहीं होता कभी जिंदगी में भी। तो इधर मैंने सारा का सारा ये दीवानी दरवाजा तो खाली कर दिया, परला करूंगी मैं पीछे, पहले एक बार ये वाला खाली कर देती हूँ, जो ना डालती कपड़े वो बाहर रख देती हूँ मैं, सारे के सारे निकाल कर। और ये शाल है मम्मी ने दिया था मेरे को, और ये मैं रखूँगी संभाल के, ये बिल्कुल भी ना सोच लो, दिल से प्यारा है मेरे को ये, और ये मैं संभाल के रखूँगी। तो गाइस अभी मार्केट से आए हैं, बस इतना सौदा मिला उस पर, नून मिर्च और हल्दी रह गई भाई, ये संभाल लिया। इसमें 5 पैकेट आए थे, 2 मैंने सोनू और का दे दिए, और ये ले आई, और ये ले आई, ये ले आई, सारा सामान मैं ले आई थी पहले, आधा लेके आई बस, स्पेशल गई थी मैं इसके लिए, क्योंकि इससे ना सारा साफ हो जाएगा। ये बात ही तो चलता है, कोई क्यों खराब हो गया के बाजार से आप ही चुकी हूँ, घर का सामान भी ले आई हूँ, और ये लेके आई सब्जी वगैरह कुछ, रोटी बनाई नहीं मैं, रोटी बनाऊंगी, इसकी हालत देख लो क्या हो रही है, और घर की हालत देख लो कितनी बुरी हालत हो रही है, के है अंदर का तो मैंने सारा निपटा दिया, अंदर का तो मैंने सारी साफ सफाई कर दी, बस बेड की चादर दोबारा से सोनू ने खराब कर दी, देख लो कैसे कर दी, क्योंकि इसकी गलती नहीं है, चादरें ऐसी है बिल्कुल तिसलनी चादर है, नहीं उतारूंगी और कॉटन की बिछाऊंगी, और मंदिर की सफाई मैं करूंगी, क्योंकि मंदिर के कपड़े हैं दोबारा से बदलने हैं। गाइस फाइनली घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से नीचे की सफाई कर दिया, सारी किचन की चकाचक हो गई है, रूम साफ हो गया है, बस अभी ऊपर ऊपर का काम बच गया, और ऊपर का भी हमें ना ज्यादा करेंगे नहीं अच्छे से, क्योंकि ऊपर लग रहा है हमारा गेट, हमने गेट बना दिया हुआ है, वो कितने दिन में लगे बन जाएगा, वो तो
हाँ तो अभी कीर्तन करा रहे तो हम सोच रहे कीर्तन में है ना पता गेट लगा देंगे तो थोड़ी सी उमस हो जाएगी, तो हम सोच रहे पहले एक बार कीर्तन करा लेते हैं उसके बाद गेट लगाएंगे। तो कीर्तन हमारा कल का था, कल मम्मी की तारीख है कोर्ट में, तो इसलिए कल मम्मी को कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो कल का होगा कैंसिल। वेडनेसडे या थर्सडे को देखते हैं कि एक दिन होगा, नहीं तो फिर संडे को। कल को काम से काम भी तो है, कल वो संडे को ही होगा वहाँ फिर डेकोरेशन। क्या पता है क्या होगा कल की आपकी तारीख, वेडनेसडे को आपको एक आधु की सूट नहीं होगी क्योंकि यशमी का व्रत है। ठीक है, आज एक आंटी का फोन में था 700 का पीछे, वो कह रही थी कि क्या नाम मुझे 2 सूट सिलवाने हैं, टाइम नहीं है, कह रही परसों दे देंगे, मैं परसों तो मुश्किल है आंटी आप बात कर लेंगे। हाँ तो फिर इसलिए हमारा संडे को ही होगा जहाँ तक मेरा है। संडे बेटा हाँ छुट्टी होती है सबकी, आंटी अभी घर का काम कर लेती है। वैसे उमा अभी कराने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अभी दिवाली वगैरह की सफाई हमें सब हो रहे होंगे, दिवाली के बाद करा ले मेरी मानो तो। देखते हैं जब मर्जी होगी जब करवाएगी, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, हमने तो 4 बार सोच लिया आज करवाएंगे कल करवाएंगे। तो मेरे टिंडे बनाए और यहाँ पे मम्मी बनाने जा रही है चूरमा, कन्नू के लिए मम्मी भोग के लिए बना रही है चूरमा, मेरे को भी खाना। हाँ मम्मी का आजकल ज्यादा जी करता है, चलो अच्छी बात है कुछ खा ले, तो ये बिल्कुल सूखते जा रहे है तोड़े ना बॉडी पता है कोई भी मिलता है पता है क्या कहता है कि जैसे तुम वीडियो में दिखते हो ना रियल में तुम उससे बहुत ज्यादा अलग हो, सुंदर हो ये हो ना। मैं दिल्ली वाली आंटी से मिली, बोले तुम ब्लॉग में मैच्योर लगती है, वैसे तो 25 लग रही है बिल्कुल। यही बात है टीचर ने पता है क्या कहती है, बोले तुम्हारी वाली क्लास 11th तो देख के सिर्फ एक आधी लड़कियां 11th की लगती है, बाकी तुम में से कोई सी लगती नहीं 11th की। रूम देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है हमारा रूम, बस मंदिर की सफाई रहती है पूरी अच्छे, मतलब वैसे तो हमने घर दी मोटी मोटी सफाई, एक बार और होगी मंदिर की सफाई, कपड़े वगैरह चेंज होंगे और सारी दीवारों पे आज हमने कपड़ा वगैरह मारा है। और ये देखो पूरा रूम इतना एक नंबर का लग रहा है, गेट पे मारा है, और ये देखो ये मिर्च अभी रख दी मैंने, और बाकी फ्रिज की सफाई भी की थी लगी थी। मैं अब बैठी हूँ देख लो सुबह से, सोनू का फोन आया है, कुछ नहीं करेगी ऊपर की सफाई नहीं करेगी, फिर भी कपड़े रख के आने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा काम घिंड रहा। तन्नू ले दिया आज ऐस, आज तन्नू ने कुछ भी हेल्प नहीं करवाई भाई, स्कूल से आई है, स्कूल से आने के बाद घूमी रही है, मैंने बेटा रोटी सब्जी तू बना दी, फिर भी मैंने बना ली, मैं मैं बना देती 2 मिनट में, नूके देखने लग रही है तू आपके काम से आज मेरे स्कूल में देखती इतना बुरा हाल हो रहा था, इतना थक रही, इतनी थक रही हूँ आज, बेहद ज्यादा थक रही हूँ भाई, मैंने एक एक चीज क्लीन करी है बिल्कुल एक एक चीज, क्योंकि काम है शॉप पे बहुत ज्यादा, काम हो रहा है बहुत ज्यादा ना सोच लो, और कल दुकान के शीशे भी लगने हैं, शीशे लगा देते हैं। कि जो शनि वाले रीत वाले जो सूट है ना, हां वो जिसकी 5 सास के 3 चाती सास के, वो मतलब सूट पैक करके अच्छे से, मतलब 5 सूट एक के उसके ऊपर टेप लगा के उनको वो गिफ्ट वाला वो नहीं लगता वो लगा दो अलग अलग करके, ताकि सबके अच्छे भी लगे, पैकिंग बेच के छुचक में देने उसे, तो मैं आप कपड़े लेके आई हूँ सारे के सारे, उसके पास फोटो भेज देती हूँ, उसका बिल दे देती हूँ, बिल दे देना। और वो आ रही है 23 तारीख को रोहतक, और मैं मिलने के लिए स्पेशली जाऊंगी उसको, और उसके सूट रखे बिना सिले 15 सूट रखे, 4 तो मैं सिल के लेके चली जाऊंगी, और उसका नाप लेके आऊंगी, क्योंकि उसका नाप ना फोटो में मेरे को सही तरह दिखाई नहीं दे रहा, और उसके पास आधार कार्ड भेज दिया था ना अभी, आज तो नहीं उसके पास पुराना है ना, बात करूँ उससे कम्प्लीट है, बात करूँ उससे कम्प्लीट है, क्योंकि कनाडा सूट पहुंचाने थे ना, तो मेरा आधार कार्ड लगना था और वो लगेगा। मैंने 3 बार तक कपड़े बदल लिया, आज मैं एक बार कोर्ट में गई थी तो कपड़े बदले, सुबह कपड़े बदले, रब कपड़े बदले, आज मैं नहाई नहीं हूँ और बुरा हाल हो रहा है मेरे से, नहाई नहीं जा रहा आधार कार्ड तो भाई इधर इसमें था, तन्नु इस तब में उसमें तो नहीं रख दिया था, देखिए बार डिब्बे में देख, इसमें तो मैंने सफाई करी आज, सब्जी चल रही है भाई तरफ है ना, एक बच्चा आ गया है और उसको हम पाल रहे हैं बेचारा, सुबह से हमारे घर के आगे बैठा है, सानी लेके आई हूँ, जाके सानी लेके आई हूँ और उसको डाली है, और कीड़ियों के लिए मैं कल है ना मैं वो पिसवा के लेके आई हूँ, दड़िया और शक्कर दोनों चीज, और बाजरा लेके आई हूँ चिड़ियों के लिए, सुबह उठते साथ मैं ये 2-3 काम करती हूँ, सुबह उठते साथ चिड़ियों में दाना डालती हूँ और कीड़नाल को जिमाती हूँ सुबह सुबह, ये काम करती हूँ। अरे किसी ने बताया था कि नारियल लेके वो गोड़ा लेके उसमें शक्कर भर के और धरती में दबाया, मतलब जहाँ तक कीड़ियों का खुशबू हो जाए इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा, कल वो भी लेके आऊंगी, कल मंगलवार है ये काम भी करूंगी। अरे ये सैली के सूट लेके आई थी तन्नू, आज इनका हिसाब वगैरह कर देते हैं,
सीढ़ियों का तो सामान ना मैंने इसलिए रख रखा है क्योंकि सारा ऊपर लेकर जाऊंगी, यही सीढ़ी सीढ़ी रह गई थी और सारा क्लीन हो चुका था घर हमारा। मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि इधर ना सारा रंग रोगन करवा लूं, पर अभी नहीं करवाऊं, बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है। क्या बोल रही है, पता है सब्जी है ना कच्चे नहीं आते आजकल, टिंडे बिल्कुल भी कच्चे नहीं आते, कितनी टेस्टी सब्जी बना रहे तो भी है ना ऐसी स्वाद नहीं लगती बिल्कुल भी। रात के 10:30 बज चुके हैं, मैंने पूरे की क्लीन कर दी, पूरा ये क्लीन करके मैंने ढक दिया है पूरा एकदम से, ये कूड़ा निकला है ये हम बाहर फेंकने वाले हैं सारा का सारा, और ये सूट मैं नीचे लेके जाऊंगी वो उसके देने हैं, ये उठा देती हूँ। और उधर बाहर की लाइट लग रही है देख लो, ये देख लो सारी लाइट लगा दी रोहित भैया ने, रोहित रोहित ने मेरा सोच लिया, मैंने गोद ले लिया, ये सारे काम ये करता है मेरा करके। तो गाइस ये देख लो लड़ी क्या हो गया, सारी अलबेडे कर दी, किसने करे हैं इसने, रोहित ने, रोहित तो कभी गंदे काम नहीं करता, क्या कर दिया रोहित आंटी ने, आपकी 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 एक बार सीढ़ी में हाल देखना क्या करा इसने, फिर कहना रोहित कभी गंदे काम नहीं करता। रोहित तू एक काम करे तो चार क्या खिंडाया कर बेटा, चप्पल मारी आंटी चप्पल ऊपर नीचे कर दी सारी, हां तू गाल पे रैप्टर मारा किसने, इसने दिखाइए, ओ छप गया किस तो आप सब कैसे हो, आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो बस अभी हम लोग एक बार कोर्ट में गए थे, वहाँ से आ चुके हैं, कोर्ट से आने के बाद हमें था एक बार मार्केट में कुछ काम, तो एक बार वो काम करते हैं और हमें कहती है विशाल से कुछ लेके आने मम्मी को, तो एक बार हम जाके चेक करके आते हैं विशाल में कुछ आया हुआ है क्या, वेस्ट नहीं करेंगे क्या, काम की चीज होगी तो काम की चीज होगी तो लेके आएंगे, फालतू पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। तो बस अभी हम लोग विशाल पहुँचने वाले हैं, बस अभी हम लोग है ना मार्केट से आए थे विशाल से, सिर्फ हमें एक तो हमें के चप्पल लेके आए थे और दो चॉकलेट लेके आए थे, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो दुकान को सारा मम्मी ने खिंडाया हुआ है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे जो शीशे वाले रैक लगते हैं ना शीशे वाले रैक लगेंगे, और घर पे गेट बन के आ चुका है, तो मैं अभी घर पे जा रही हूँ गेट लगवाने, मामा जी उड़ा रहे तो गेट लगवाएंगे है, आप इतने सीन लो अपने आराम से, मैं इतने घर पे जाके गेट वगैरह। हम आ चुके हैं घर, और भाई आज शॉप पे इतना काम था, देखो ब्लॉग लेना याद नहीं रहा, इतना काम खिंड रहा था, और दुकान मैंने इतनी अच्छी कर दी, बिल्कुल अच्छी कर दी, डेकोरेशन कर दी सारी दुकान की, शीशे वगैरह लगा दिए मैंने, आज दुकान ऐसी चमका के आई, सारा गंद निकाल के बाहर सारे कपड़े कपड़े अच्छे से रख रख के, और जब मैं आई हूँ और मैं वो दिखाऊंगी कल, अगर मैं कल गई तो कल फिर मेरी तारीख है, कल फिर जाना पड़ेगा मुझे, आज भी तारीख थी पर तबीयत इतनी डाउन थी मेरी, इतनी डाउन थी, इतना पेट में पेन था, बेहद ज़्यादा पेन था, मैं रस्ते में तेरे वापस आ गई थी, मैं रोने लगी थी, तनु की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं कल फिर जाना मैंने सुबह सुबह, और अब बना लेते हैं भाई रोटी, और ऊपर का दरवाज़ा चढ़ चुका है, ऊपर का दरवाज़ा भी दिखाएंगे क्योंकि माँ जाई थी, तनु ने दरवाज़ा चढ़वाया ऊपर, और मैं करवा रही थी शॉप का काम, तनु करवा रही थी इधर का काम, क्या बोलो भाई ऊपर तक ले आ जाकर, और आज मशीन का हो गया पता नहीं क्या चक्कर हो गया, सारा पानी है ना मैंने डाला था देखो सारा का सारा निकल रहा है, सारा का सारा निकल गया, और मशीन हो गई खराब, और कपड़े सारे ये कल मैंने सफाई की थी ना दुकान वगैरह की, सारे पर्दे वगैरह ले गई थी, अब आज मशीन वाला बुलाना पड़ेगा भाई कोई ना कोई, ये एक न एक पैसे लगते रहे, ये मशीन होगी खराब और मशीन वाला आज बुलाना पड़ेगा, और कपड़े क्या ज़्यादा मैंने सोची थी कपड़े से निपट जाऊँ मैं जल्दी सी, ताकि सारा दिन मेरा वेस्ट नहीं जाए, और मशीन वाले का वेट करना पड़ेगा, वो कब आएगा कब नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि दूर बहुत ज्यादा हो गया, कल है ना दरवाजे वाले भी आए ना बिल्कुल, हम बोले बहन जी बहुत ज्यादा दूर घर है भाई, मगा भाई पैसे ले हुए तो दूर भी आना पड़ेगा, तो भाई काम कर लेते हैं, मच्छरों का हो रहा है बुरा हाल देख लो, कितने मच्छर तो माता जी के पास पड़े हैं देख लो, सफाई करूँगी अब, और कितनी ये पड़े हैं, बहुत बुरी हालत हो रही मच्छरों में, ऐसे हो रहे कि रात को तो ना चश्मा लगा के आओ तो ठीक है ना, तो आँख में कुछ जाती, मैं तो रोज एक मच्छर न लेके आऊँ साथ में, अगर आके निकाला करूँ उसमें,